मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों को हमारे उजागर करती है। दोस्तों, कभी किसी बात से मत घबराना, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर हमें मंजिल पानी है तो मेहनत तो करनी ही होगी, साहस हमारे अंदर होना ही होगा। अगर साहस हमारे अंदर है तो हम कोई भी मुकाम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, साहस के साथ साथ फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा, अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हम साहसपूर्वक कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्यों नाहित, मैंने सही कहा? बिल्कुल सही। और बबीता, ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप फिट रहेंगे तो आप साहस से आगे बढ़ेंगे और कामयाबी मिलेगी, और फिट रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तभी तो इसी साल 2019-29 अगस्त से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अभियान शुरू किया, फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी में खेलों को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या नहीं, लेकिन खेल आपकी ज़िंदगी में चाहे पूरे वक्त के लिए या थोड़े वक्त के लिए, पर हिस्सा होना चाहिए। आपकी दिनचर्या के अंदर स्पोर्ट्स ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो योग भी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप फिट रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। जी बिल्कुल नाहिद, एकदम सही कहा तुमने। और अगर हम फिटनेस पे ध्यान देंगे तो हमें हमारी बॉडी को समझने का मौका भी मिलेगा। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो दोस्तों, उस प्रोफेशन में अगर हम दक्षता चाहते हैं तो हमें फिट रहना, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता प्रधान, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धरारी में। और मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर। और जिस तरीके से आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही हमने फिटनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स से की है, तो क्यों ना आज जो हमारे साथ इस मंच पे शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ भी करा देते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए मंजिल तक पहुँचना, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं था। बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी मुश्किलें उनके आगे आईं, लेकिन उन्होंने अपने जोश और जज्बे से अपनी मंजिल को पा ही लिया। तो चलिए स्वागत करते हैं श्री जगदीश चंद्र तैली जी का, जो कि पैरा स्विमर हैं, और अपने इसी हौसले से उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगदीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और दिल्ली राजस्थान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी कि मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। जी बिल्कुल नाहिद, बचपन का जो सफ़र होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। बिल्कुल। और हम हर दिन कोई ना कोई यादें संजोते हैं और उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं, और उनमें सबसे अहम होती है बचपन की यादें। आपका बचपन कैसे और कहाँ बीता? मेरा जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुआ था, मामा के यहाँ पे, और छोटा था उस समय। 5 साल की उम्र में मैं एक पानी में गिर गया था, और जैसे होता ना बेहोश जैसे होना, जी वो घटना हो गई थी मेरे साथ जब 5 साल का था उस समय जी। और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी, ये तो चला गया, लेकिन एक दादी थी तो उन्होंने मुझे, मतलब पानी भर के आना था मेरे अंदर, तो उन्होंने प्रेस किया मेरे यहाँ पे और फिर वापस, लेकिन मैं सही हो गया था बाद में। और मैं ये सब याद करता हूँ तो मेरे लिए बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं पानी की वजह से ही मैं इस मतलब घटना हुई थी मेरे बचपन में, और आज मैं उसी लेवल पे कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अरे वाह। वो कहते हैं ना कि जीवन में जो जिस तरीके से हमने कहा कि अगर कभी असफलता या कुछ हालात ऐसे बने हैं तो यकीन मानिए कि वो सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने के लिए हैं, उसके बाद जीत आपकी कदमों में होगी। यहाँ जिक्र आपने किया 5 साल की उम्र का, लेकिन 5 साल की उम्र में एक पल ऐसा भी था जो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, ख़ासतौर से आपके माता पिता के लिए बड़ा ही तकलीफ देता, कि जब उन्हें पता चला कि जो पोलियो का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्या हालात थे और कैसे उस वक्त माता पिता ने उस 5 साल के बच्चे का हौसला बढ़ाया? छोटा था उस समय, मतलब मुझे तो बहुत थोड़ा याद है, क्योंकि 5 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, और उन्होंने बहुत जगह ये सब किया था सही करने के, लेकिन कोई उस समय इतना पोलियो का भी कोई चलता नहीं था, तो उस कारण से हुआ नहीं कोई इलाज सक्सेस। लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा गम भी नहीं है कि पोलियो की वजह से मेरी लाइफ में कोई डिस्टर्ब हुआ है, तो वो मेरे लिए कोई नहीं है। जी जी,
यानी आपने कहीं ना कहीं अपने हौसले से उस मंजिल को ज़रूर पा लिया और अब तो हमारा जो पूरा भारत देश है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं तभी कहा जाता है कि आप अपनी फिटनेस को ज़रूर ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। यहाँ जगदीश जी एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगी मैं कि जब आप पहली बार पानी के अंदर उतरे तब तो हालात ऐसे हुए कि आप बेहोश हो गए और आप बमुश्किल वापस अपनी एक ज़िंदगी को सुचारू रूप से जी पाए, लेकिन जब पहली बार तैराकी के लिए उतरे तो वो कैसा वाकया था, क्योंकि बड़ा दिलचस्प कहानी है, वो हम आप ही से सुनना जी, चाहेंगे जी। मैं छोटा था उस समय, कम से कम 7-8 साल का होगा। अच्छा। उस समय मेरे कज़िन ने मुझे रस्सी में बांध के ऐसे तालाब में फेंक दिया था जी, और उनका मकसद था कि तैरना सिखाना, मतलब जी जी। तो जब फर्स्ट टाइम अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा वो हम खुद जानते हैं, तो कभी अंदर जैसे मैं अंदर जाना होता कोई भी, हाँ ये डूब रहा है, तो वो खींच लेते थे ऐसे करके मुझे कुछ दिन करके उन्होंने सिखाया। लेकिन वो रस्सी क्यों बांध रहे उन्होंने मुझे बताया नहीं था, ऐसे ही हम खेलते थे, मतलब पाल पर बैठे थे तालाब के, और वहाँ पर हम भैया ने रस्सी बांधी मेरे कज़िन ने, और ऐसे धक्का दे दिया। मैं बोला ऐसे ही बांध रहे होंगे तो कुछ मस्ती करने के लिए ऐसे ही थे, लेकिन वो मुझे तैरना सिखाने के लिए उन्होंने ये किया था जी। और सच में मैं याद करता हूँ तो वो मेरे लिए वो पल बहुत ख़राब था उस समय, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है जी, उन्होंने अगर उनकी वजह से मैं इस लाइन में हाँ बिल्कुल। महज 17 साल की उम्र में आपने राजसमंद झील को क्रॉस कर लिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट किसने किया, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा ये सब जानने के बाद में? मैं बोलूँ फैमिली को मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, या क्योंकि गांव में क्या होता है कि अक्सर डराते हैं लोग, नहीं तुम पानी मतलब दूसरा गेम खेलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी के पास में जाने से भी मना करते हैं कि नहीं आप इसके पास में मत भटको, क्योंकि कुछ हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था खेलने, और खेलते खेलते सीख गया। और फिर जब मैंने भक्ति शर्मा उस समय 2006 में उसने इंग्लिश चैनल किया था जी। तो उसके बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा था, और मुझे फिर लगा कि यार वो लड़की होके इंग्लिश चैनल, इतना ठंडा पानी और इतना डेंजरस चीज जगह पे जाके उसने ऐसा किया है, तो हम तो ये राजसमंद झील पार करने के लिए मतलब बात कर रहे थे दोस्तों से जी। तो मैंने बोला कि यार मैं भी पार करके देखूँ, तो मुझे एक अंकल थे पीछे खड़े, उन्होंने बोला कि तू तो विकलांग है और ऊपर से झील पार करने की सोच रहा है, अब तक किसी ने नहीं किए। मैंने सोचा कि नहीं, अगर अभी तक किसी ने नहीं किए तो मैं अब करूँगा। अरे वाह, तो वहीं से मेरी ये शुरुआत हो गई जी। ये अच्छा रहा कि मैंने वो पॉजिटिव लिया, अगर नेगेटिव लेता तो शायद वो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है ना तो उसके अंदर एक सकारात्मक बात होती है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बात को किस तरह से अपनी जिंदगी में लेते। ये एक अच्छी बात है, शायद आम इंसानों को भी ये अपनी जिंदगी के अंदर उतारना चाहिए। लेकिन जहाँ जगदीश जी जिक्र कर रहे हैं वो 17 साल की उम्र का, जब आप पढ़ रहे होते हैं सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में होते हैं, आपके लिए हालात इतने अच्छे नहीं थे, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन पारिवारिक स्थिति इतनी मज़बूत नहीं थी, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक दुकान पे काम भी करना पड़ता था, कैसे तैराकी के अपने इस शौक़ को ज़िंदा रखा, दुकान पे काम करना, अपनी पढ़ाई को कैसे तालमेल बिठाया? मैं पढ़ाई के साथ साथ मतलब जैसे दुकान संभालना, और साथ में फिर दिन में जैसे होता है कस्टमर नहीं होते हैं तो उस समय हम दोस्तों के साथ तालाब पे जाते थे खेलने के लिए। अच्छा। ऐसे खेलने के लिए कोई मकसद नहीं था कि कुछ करना, हाँ बचपन में ये सपना देखा था मैंने कि कुछ करना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो और दूसरा मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं क्योंकि सोचता था उस समय कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे घर वाले मुझे टीवी पे देखें, आज डीडी राजस्थान के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा कि 17 साल की उम्र में तैरना हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये हमारी राजसमंद झील पार करने की मेरा ये प्लान बना, और 7 दिन पहले अखबार में मैंने एक न्यूज़ दी थी, और तो मेरा गांव में निकलना मुश्किल हो गया था कि अरे क्योंकि वो डांटते हैं ना कि ये सब तू आत्महत्या करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है। तो लेकिन मैंने फिर क्या किया, 2-3 दिन तो ऐसा ठीक चला, लेकिन फिर बाद में मैंने मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं बोला जब करेंगे उस समय बस वहीं जाएंगे, बाकी कहीं वैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मतलब घटना रही मेरे लिए, क्योंकि वो लोग, लेकिन हाँ ये राजसमंद झील जब मैंने पार की, उस पार करने के बाद वो लोग जो मुझे मना कर रहे थे वो मुझे फूलों का हार लेके आए। लेकिन ये हौसला कहाँ से आया, ये हिम्मत कहाँ से आई? ये तो मैं मुझे
भक्ति शर्मा को देख के, क्योंकि उसने इंग्लिश चैनल हाँ. किया था उस समय, तो मुझे लगा कि नहीं भाई वो कर सकते तो मैं भी शायद कुछ करता हूँ. लेकिन ये भी है कि उस समय मुझे स्विमिंग का खाली, जो गांव के जो रोज स्विमिंग करते हैं उस तरह की स्विमिंग मालूम थी. हाँ, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग थी. नहीं. और बबीता खास बात हाँ. ये कि 5 घंटे स्विमिंग बिना ट्रेनिंग के वो आप ये करते थे. बड़ी ये बहुत बड़ी बात है अपने हाँ. आप में. उस टाइम तक आपके पास कोई ट्रेनर मौजूद नहीं था और आप 5 घंटे तक स्विमिंग कर रहे हैं, जबकि बहुत कम लोग होंगे शायद ऐसे. तो वो किस तरीके से वो वक्त मैनेज कर पाते थे और कैसे इतना हौसला बढ़ाया कि हम 5 घंटे तक तैराकी कर सकते हैं? मैम ये तो बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मैं जब तालाब पे जाता था हम दोस्तों के साथ जी. तो 3-3, 4-4 घंटे तो ऐसे निकल जाते, तो मुझे खुद पता नहीं रहता. वो सब जी. लोग बाहर आते कूदते लेकिन मैं अंदर अंदर घूमता रहता ऐसे ऐसे. तो वो दौर मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि फिर बाद एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार जगदीश तू बिना निकले, मुझे पता ही नहीं था हालांकि, और उसने बताया कि तू बिना बाहर निकले तू 2-3-4 घंटे से अंदर ही है मतलब. अच्छा जी. तो उस समय से फिर मेरे एक अंकल है, उन्होंने मुझे बोला, उन दोस्तों ने उनको बोला था कि ये जगदीश ने इतना घंटा आज तैराकी कर ली. तो फिर उन्होंने अंकल को बोला, अंकल ने मुझे बोला यार तू बिना ट्रेनिंग बिना ये सब कुछ कर रहा है तो कुछ अलग हटके कर रहा है इसमें. तो फिर मैंने धीरे धीरे दुकान पर टाइम देना कम कर दिया और तालाब पे ज़्यादा रहने लग गया. तो फिर एक अंकल, वो अंकल ने मुझे बोला कि यार जगदीश एक काम कर, तू ऐसा कुछ कर जो हम सब आएंगे वहाँ. तो मैंने उनको बोला कि हाँ 6 घंटे मैं तैर के दिखाऊंगा, लेकिन मैंने घर पे उस दिन नहीं बोला था कि मैं 6 घंटे तैरने जा रहा हूँ ऐसे. तो वो फिर मैं 6 घंटे तैर के आया, तो दूसरे दिन अखबार में आया तो घर वालों को पता चला कि मेरे भैया घर पे तो अखबार नहीं आता था जी. तो भैया ने बोला कि बाहर के देख के आया, तो बोला कि तू कल तैर के आया था क्या? घर वाले मुझे बोल रहे थे, क्योंकि हम स्विमिंग करते हैं तो मैं जब हेड अप स्विमिंग करता था बाहर चेहरा रहता तो क्या होता, धूप से और पानी का टच हो के वो जो यहाँ पे हो जाता था, हाँ, तो काला हो जाता था. तो घर पे बोले कि यार ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया तूने, क्योंकि कल तो अच्छा था. तो फिर जब मैंने उनको मना कर दिया, मैं बोला नहीं कुछ नहीं ऐसे पता ही कुछ हुआ होगा ऐसा. तो भैया ने फिर आके बोला तू ऐसा करके आया क्या, अखबार में आया तेरा फोटो आया है ऐसे. तो फिर घर वालों ने एक बार तो डांटा भी था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अपना. हाँ, बस ये. आप अपने हुनर को इतनी खूबसूरत तरीके से पहचानते चले गए और अपनी मंजिलें अपनी खुद बनाते गए और सीढ़ियों पे आप खुद ही चलते गए. और नाहिद मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इंग्लिश चैनल भी इन्होंने पार किया हाँ, है और 12 घंटे 26 मिनट लगातार आप पानी में रहे हैं. वो बात मैं आपकी ज़रूर जानना चाहूँगी, वो हौसला आपको कहाँ से आया और यही चीज़ आपकी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे तुमने बताया इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुई है. मैम ये तो मैं तो मेन कारण था, मैंने इंग्लिश चैनल करने के लिए मैं स्विमिंग लाइन में आया था. अच्छा, मुझे पैरा स्विमिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था इतना. तो फिर हमने हमारे लीना मैडम मैजी सर उन्होंने जो हमारे कोच है उन्होंने बताया कि पैरा का भी स्विमिंग होता है, दिव्यांग लोगों की अलग से स्विमिंग होती है. 2008 में जब मैंने ट्राई किया था पूरा कि इंग्लिश चैनल करना है, मतलब 2007 से मेरा यही था कि इंग्लिश चैनल करना है, लेकिन 2009 तक स्पॉन्सर नहीं मिला था मुझे, और थोड़े बहुत मिले तो क्योंकि वहाँ पे कम ज़्यादा खर्चा है तो उतना मैनेज होना मुश्किल था मेरे लिए. तो उसके बाद मैंने फिर ये मुंबई चला गया था कि भाई स्पॉन्सर हो ही नहीं रहा है तो आगे की ट्रेनिंग के लिए. तो मुंबई गया तो वहाँ पे फिर मैंने और ज़्यादा जाना कि पैरा स्विमिंग क्या होती है क्या नहीं. जो वहाँ के कोच थे हमारे प्रेम जी गंजीकर, उन्होंने मुझे बोला कि तो अब इंग्लिश चैनल एक बार छोड़ दे, एक बार इस पे फोकस कर पैरा स्विमिंग पे. तो मैंने वहाँ से 2009 से लेके 2014 तक महाराष्ट्र से खेला था और स्टेट नेशनल में बहुत मतलब सब जगह मेडल लगाए मैंने जी. फिर वापस 2015 में मैंने उदयपुर से खेलना शुरू किया था, राजस्थान से खेलना शुरू किया, उदयपुर आ गया था मैं. और यहाँ से मैं नेशनल में गोल्ड, और साथ ही फिर 2017 में हमारा एक नेशनल हो रहा था उदयपुर में, तो उस समय हमारे दोस्त आए हुए थे कुछ, तो उनका भी सपना था कि इंग्लिश चैनल करना जी. और मेरा भी था, तो हम सब मिल गए कि भाई यार सबका सपना है इंग्लिश चैनल, और बजट बहुत ज़्यादा है जी. एक एक को करना तो बहुत मुश्किल होता. तो फिर हम 4 लोगों की टीम बनाई कि जिसमें हमने टीम का नाम दिया इंडियन पैरा रिले टीम. तो सभी दिव्यांग थे उसमें, और क्योंकि सबका सपना था कि इंग्लिश चैनल करना, तो हमने एक रिले टीम, फिर हमने सोचा कि बजट ज़्यादा है तो हम इसको कम कैसे करें जी.
तो हमने फिर प्लान बनाया कि काम करते हैं अपन, रिले करते हैं। तो रिले में क्या है कि खर्चा शेयर हो जाएगा सबका। तो हमने चारों की टीम बनाई और 2017 में फिर हमने 12 घंटे 26 मिनट में इंग्लिश चैनल करके आए। और यहाँ जो आपने लीना जी का जिक्र किया है, जो वाकई आपके इस हौसले को आगे बढ़ाने में काफी मददगार रही हैं, उन्होंने आज भी आपका हौसला इसी तरह से बढ़ाया है और एक प्यारा सा संदेश आपके लिए भेजा है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं वो आपको। जगदीश ने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन काल में। जगदीश ने 2006 में मुझे कांटेक्ट किया था जब मुक्ति ने इंग्लिश चैनल किया था कि मैं, मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है मुक्ति दीदी की तरह। तब वो बिल्कुल रॉ स्विमर था, फिर वो उदयपुर शिफ्ट हो गया और मैंने उसके सारे स्ट्रोक चेंज किए, सारी स्टाइल चेंज की, उसको प्रॉपर स्विमिंग सिखाया। और जब हमने 2008 में माँ बेटी ने इंग्लिश चैनल के लिए जब प्रैक्टिस शुरू की ठंड में, तो ओरिएंटल पैलेस में ठंड में उसने भी अपना हमारे साथ प्रैक्टिस की, हमने उसको करवाई। अरब सागर में जब हमने रिले में रिकॉर्ड बनाया तब उसने भी हमें सपोर्ट किया और अरब सागर पहली बार उतरा वो पानी में, और तब मैंने देख लिया था कि वो बिल्कुल भी डरता नहीं है, ना फिर ठंड की चिंता है, ना उसमें डर है समंदर का। तब मैंने उसे और आगे बढ़ाने की सोची। और कुछ ऐसा हादसा हुआ उदयपुर में कि उसे स्विमिंग पूल पे मना कर दिया गया उदयपुर की कि नहीं आएगा अभी स्विमिंग पूल पे। तो मैंने उसे फिर प्रेम गजनकर सर जो मुंबई में है अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ मैंने उनको जगदीश को भेजा कि वहाँ ट्रेनिंग ले लो, कोई बात नहीं उदयपुर में नहीं जगह तुम्हारे पास। तो और मुंबई में उसने 2-3 साल प्रेम सर के पास प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, मुलुन में रहना, ट्रेन में आना, ट्रेन से वापस अंधेरी से इतना लंबा बस में सफ़र करके स्विमिंग पूल तक पहुंचना, वापस जाना, बहुत मेहनत की उसने। और वहाँ रहते हुए उसने नेशनल मेडल वगैरह हासिल किया और आखिरकार उसने इंग्लिश चैनल पार कर ही लिया, और बहुत खुशी की बात है। और अब मैं ये दुआ करती हूँ कि जगदीश अब सोलो में इंग्लिश चैनल पार करे और उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले, स्पॉन्सरशिप मिले, क्योंकि ये बहुत मेहनती लड़का है, उसने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में। थैंक यू। अरे वाह, बहुत ही मतलब फ़ख्र की बात है। और कहते हैं ना बबीता, जब आपको जो आपके गुरु होते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला कर रहे हैं और जब वो आपकी तारीफ करते हैं, तो शायद वो जो मनोबल है वो दुगना हो जाता है। क्यों जगदीश जी, जगदीश जी आप क्या कहना चाहेंगे? लीना जी ने इतनी खूबसूरत बात आपके लिए कही, आपके साहस का जिक्र किया और हमें बताया कि आप बिल्कुल भी डरते नहीं और बहुत मेहनती हैं, आप क्या कहेंगे? मैम वैसे उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, क्योंकि जब मैं स्विमिंग के बारे में इतना जानता भी नहीं था और इंग्लिश चैनल का, हाँ भक्ति के बारे में सुना था कि उसने इंग्लिश चैनल किया, लेकिन इंग्लिश चैनल है क्या इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने मुझे 2006 से 2007 से फिर उन्होंने उदयपुर में मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग देना शुरू किया था, और मेन मकसद था कि इंग्लिश चैनल करना। और जब मैं मुझे फ्री स्टाइल स्विमिंग क्या होती है वो भी मालूम नहीं था, और पहली बार जब मैं उदयपुर गया तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो भी मेरे पास नहीं था, तो वो उन्होंने ला के दिया था और फिर तैरना शुरू किया। लेकिन उस समय ऐसी हालत होती थी मेरी कि पानी ठंडा था और मैं दुबला था बहुत, और जब आपके बॉडी में बिल्कुल फैट भी नहीं है तो उस समय ज़्यादा ठंड लगती है बिल्कुल। तो जब कभी मैं ज़्यादा भी हो जाता कि स्विमिंग करने के बाद, मतलब 15 मिनट स्विमिंग करता था, वो 1 घंटा करते थे वो जब रिले की तैयारी कर रहे थे, तीनों तीन मेंबर थे उनके, भक्ति और एक लड़की और थी जोधपुर की और लीना मैडम, तो वो 1 घंटा स्विमिंग करते थे, मैं 15 मिनट करके मतलब ऐसे हालत होती कि मैं चल नहीं पाता था। तो कभी कभी वो मुझे, मैं जहाँ पे रहता था उदयपुर में वहाँ पे छोड़ने आते थे जी। तो ये मेरे लिए बहुत वो मतलब याद करने के दिन है, क्योंकि उस समय का दौर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल वक्त था। अच्छा यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगी, जो माँ होती है ना उसका दिल बड़ा नर्म होता है, और चाहे उसका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा हो लेकिन ऐसे वक्त में जब वो देख रही हो कि मेरा बच्चा 5-5 घंटे पानी में है, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है, तो उसका दिल जो है वो बड़ा नर्म हो जाता है कि ऐसा कैसे। तो माता जी का रिएक्शन कैसे था और कैसे उन्हें समझाया? बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मैं वो तो बहुत डांट पड़ी थी पहले जब मैं रासमंजिल करी, मतलब उस समय भी
उन्होंने क्योंकि वो भी मैं बता के नहीं गया था, मैं बोले मुझे पता है कि अगर पहले कोई मना कर दे तो फिर अच्छा नहीं लगे, और माँ तो मना करेगी कि भाई तू पानी, क्योंकि वो इतना जानते नहीं मुझे भाई। लेकिन मुझे ये टेक्निक आ गई थी कि अगर थक भी गया तो मैं मुझे क्या करना है, बस इतनी टेक्निक थी। उसके आधार पर मैंने ये रास मंजिल पार की, फिर बागी आगे भी जो आज भी लोग बहुत मानते हैं कि स्विमिंग गांव में तो ज़्यादा मानते को नहीं, और पानी का काम है कितना खतरे वाला है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, वो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जगदीश जी, स्टार्टिंग में जब आपने राजसमंद झील क्रॉस कर ली, उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आप रुके नहीं वहीं पर ही, आपने ये नहीं सोचा कि हाँ बस मुझे मेरा हुनर पता है अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा, आप और भी आगे बढ़े और आपको मोटिवेट नहीं किया, इवन आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नेशनल और स्टेट लेवल पर जब आप गए पहली बार, वो कॉम्पिटिशन जब आप जीतने के लिए आप सोच रहे थे, तो मन में कोई भय या कोई शंका थी? वो तो होती है थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में तो पता चलता है कि हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है। जब मैं पहली बार इलाहाबाद गया था, जो क्योंकि पैरा में क्या होता है कि आप अगर स्टेट में कोई नहीं है तो डायरेक्ट आपको भेज देते हैं नेशनल। अच्छा। तो हमारे राजस्थान से एक दो स्विमर थे तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो गई थी। हाँ। और जब मैं इलाहाबाद में गया और वहाँ 3 किलोमीटर की स्विमिंग थी 2008 में ही, और 2000 मतलब ये कर जैसे मैं गया और मेरे मेरी कैटेगरी में मेरे थर्ड प्लेस लगा था, और वो खुशी मेरे लिए मतलब जैसे गोल्ड के बराबर थी, क्योंकि पहली बार मैं कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेडल लगाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और जगदीश जी, साथ ही में आप विदेश में भी अपना हुनर दिखाया है और वहाँ पे भी आपने कॉम्पिटिशन विन किया है, वो दौर आपका कैसा रहा और वहाँ से रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? मैम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहली बार मैं एक तो मेरे दोस्त भी मुझे बोलते थे कि मेरे से इंडिया में भी कोई दूर दूर ट्रैवल करना है तो बोले कि फ्लाइट से जाते हैं आना नजर, क्योंकि मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं था। मैं पहली बार ही इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा। अरे वाह। और यहाँ और भी वो मतलब इंग्लैंड तक मतलब यात्रा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल मतलब सोचना बहुत बड़ी बात है, और वो यादगार भी रहा होगा। वो बहुत यादगार। और जब हम इंग्लिश चैनल की प्रैक्टिस करने गए थे, उससे पहले हमारा एक कंपटीशन था जिसमें ब्रिटिश पैरा स्विमिंग, जो उसमें पार्टिसिपेट किया था और मेडल तो नहीं लगा हालांकि, लेकिन हाँ बहुत अच्छा टाइमिंग और ये आया मेरा। और उसके बाद जब हम इंग्लिश चैनल के लिए समंदर किनारे गए और मतलब पानी के अंदर जैसे एंट्री हुई हमारी, तो हमारी सांस थम गई थी एक तरह। अच्छा। क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। हाँ, बिल्कुल। और जैसे अब पानी के में यहाँ तक हम चले गए और उसके अंदर मतलब चेहरा डालना पानी के अंदर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब हम भूल गए थे कि सांस कैसे लेना है क्या है बस। और धीरे धीरे हमने फिर बाद में प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो हम पानी में तैरते रहते हमारा हाथ जो यहाँ तक सुन हो जाते थे बिल्कुल, और अब हाथों को ऐसे मतलब उंगलियों को हिलाना बहुत मुश्किल था, तो हम फिर ऐसे ऐसे करते थे ये ऐसा करके 15 मिनट, जैसे हमारा क्या मॉक ड्रिल होती थी, तो 1 घंटा स्विमिंग करना, 1 घंटा बाहर बैठना, ऐसे करके मतलब दिन भर चलता रहता था 8 घंटे तक, 4 घंटे बाहर 4 घंटे अंदर। और वो आप सोलो करो, अकेले करो 8 घंटा करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर आके वापस जाना और ऊपर से बारिश हो रही है ठंडा और फोग, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब हम एक दूसरे को ऐसे करते थे भाई तू हाथों को कैसे एक्सरसाइज करना, वहाँ पे पत्थर थे पत्थर फेंकना ऐसे पकड़ना तो क्योंकि होता ही नहीं था, फिर पहले हम हाथों को सही करते थे फिर पत्थर फेंकना मतलब ऐसे ही मस्ती करते थे। वो उसमें हमारा थोड़ा बॉडी वार्म हो जाता था, तो वो एक बहुत यादगार पल है आज भी। वो एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाना होता है, एक तरीके से मोटिवेट करना होता है। इंग्लिश चैनल पार किया लेकिन साथ ही 3 बार कैटरीना चैनल पार किया, आसान नहीं था ये सब कुछ, कैसे वो किया? और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या है ये कैटरीना चैनल जिसे आपने पार किया, 2019 में भी आपने इसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया, एक बार नहीं बल्कि 3 बार आप इसको पार कर चुके हैं, तो क्या कुछ है ये और किस तरीके से ये नया कीर्तिमान आपने अपने नाम रखा? मैम इंग्लिश चैनल तो जैसे हर एक स्विमर का एक सपना होता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट जो ट्रैकिंग करने वाले होते हैं उनको एक सपना होता है माउंट एवरेस्ट करना, उसी तरह हर स्विमर का एक सपना होता है कि इंग्लिश चैनल करना। तो स्विमिंग का माउंट एवरेस्ट ये माउंट एवरेस्ट है इंग्लिश चैनल। तो जैसे हम इंग्लिश चैनल करके आए और फिर हमारा सपना बना दोस्तों का, सब रिले में हमने किया ये सब, तो हमारे दोस्तों में एक प्लान बना वापस आते आते ही। फ्लाइट में हम बैठे थे चारों और
मतलब एयरपोर्ट से उस समय मतलब हीथरो एयरपोर्ट पे हमारा प्लान बन गया कि हमें अभी केरला चलन करना है। अरे वाह। और क्योंकि पहले तो हम एक ही टारगेट लेके चल रहे, कैसे भी करके इंग्लिश चलन हो जाए, क्योंकि हमारा बजट भी हाँ उतना नहीं था कि हम इसको ज़्यादा जाके वहाँ ज़्यादा रुक के प्रैक्टिस कर सकें, तो लिमिटेड टाइम था। और फिर बाद में वो कर लिया, तो फिर बाद में हमने टारगेट लिया कि नहीं अब केटलिया चैलेंज करना है। और इसमें अभी क्या हुआ कि एक से हमारा जो इंडियन पैरा रिले टीम का था वो स्लॉट बुक हो गया। उसके बाद एक टीम और बनी थी असम की, जी जिसमें मुझे भी उन्होंने बोला कि आपको भी रहना है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यार तू दो कैसे करेगा, क्योंकि एक तो 12 तारीख 12 अगस्त को है, बारह सॉरी 15 अगस्त को किया था हमने इस साल ही, और एक हमारा 19 को है। हाँ तो बहुत सारे लोग मना कर रहे थे कि दो दो क्यों कर रहा है। कैसे करेंगे। तो मैं बोला देख ट्राई करते हो जाएगा, मैं मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा। तो हालांकि केटला चैनल इंग्लिश चैनल थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि उसका पानी का टेम्परेचर ठीक है, और कुल मिला के मतलब ज़्यादा रुकना की भी नहीं है, और मैंने सोचा कि हो जाएगा। तो फिर बाद में मैं जब वहाँ हम लोग गए लॉस एंजलिस और प्रैक्टिस जैसे शुरू किया था, और प्रैक्टिस के 4 दिन बाद ही बेंगलोर की एक टीम आई हुई थी, तो उनके एक मेंबर बीमार हो गया था। तो उनमें से एक सर थे जो मेरे मिलने वाले थे, पहले हम वही सर हमें वहाँ मिले थे, इंग्लैंड में भी मिले थे, उन्होंने रिले किया था श्रीकांत जी। तो उन्होंने मुझे बोला जगदीश यार हमारे यार साथ में ऐसा हो गया कि हमारा एक स्विमर बीमार हो गया है। जी हमारी टीम में सबको पूछा भाई आप कोई करो तो आ जाओ, तो सबने मना कर दिया। अब फिर मैंने मुझे बोला कि जगदीश यार अभी देख लास्ट तू ही है, अगर कर सकता है तो, क्योंकि मैं बाकी हम 5 लोग, क्योंकि वहाँ पे रूल्स है कि हाँ आपको कम से कम 6 लोग रिले में मिलना होना चाहिए चाहिए, बिल्कुल जी। और 5 भी है तो आपको उतने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप 5 लोग हैं हम, और एक और चाहिए हमें, क्योंकि एक बीमार हो गया है, तो अगर तू आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो टीम फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो वो 12 तारीख को ही था। अब क्योंकि मुझे 12 को भी 15 को तो है ही है मेरा, और फिर 19 को है वापस, तो सब लोग कह रहे कि यार तू कैसे करेगा, मतलब सोच ले एक हाँ बार वापस। मुश्किल होता है। मैंने बोला हाँ सर मैं करूँगा डन है, और मैंने उनको बोल दिया। तो और हमारी एक और टीम बन गई, क्योंकि 12 अगस्त को उससे सबसे पहले मेरा एक आ गया था टीम, और दूसरा फिर वो हमने सक्सेसफुल कर लिया था, तेरह जी घंटे से ऊपर कुछ टाइम दिया, जी और उसमें डबल टीम थी, दो टीम थी जो अलग अलग कर रहे थे, मतलब जी साथ में कर रहे थे लेकिन दो हाँ टीम थी। टीम से होती। तो हमने मैं एक टीम में रहेगा, ओरे का टीम थी उसमें मैं था, और बाकी एक और टीम थी जो दो दो स्विमर हर एक टीम के टीम के अंदर आते थे। रहते हैं अंदर। वो क्या होता है कि 1 घंटा स्विमिंग करना, बाहर आना बाहर वापस, आना। और मतलब आपका राउंड जब आता है वापस 5वें नंबर पे तो वापस उतरना है। जी तो मेरा 2-3 बार नंबर आया था, और 12 अगस्त को हमने सक्सेसफुल वो कर लिया था। अरे वाह ये बहुत और अच्छी। ये सबसे अच्छा रहा कि मैं 3 बार गया वहाँ और तीन कैटलिना चैनल करने, और मुझे एक भी बार वोमिटिंग जैसा कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ क्योंकि अच्छा चल। यहाँ कैटलिना चैनल जो जिसका जिक्र किया है, हमारे दर्शकों में से बहुत से दर्शक जानते होंगे लेकिन बहुत से दर्शक होंगे जो नहीं जानते कहाँ है ये, कितना एरिया है अमेरिका के अंदर, किस जगह में से पार कर शुरुआत होती है और कहाँ तक ख़त्म होता है, कितना फैलाव क्षेत्र है, वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे उसके जी बारे में तफसील से। जी अमेरिका में लॉस एंजलिस के पास कैटलिना आइलैंड है, जी जो वहाँ से अपन स्विमिंग शुरू होती है। जी मतलब ये 36 किलोमीटर का चैनल है जी जो कैटलिना आइलैंड से शुरू होके लॉस एंजलिस के ओडिंगम बीच से है वहाँ पे ख़त्म होता है, अच्छा और ये 36 किलोमीटर की दूरी लगभग हर एक स्विमर मतलब 10-12 घंटे में हो जाता है। जी किसी का लंबा होता है तो बाकी ये इस टाइम अच्छा पे हो मतलब जाता बारह है। घंटे तक लगते जी ये जी बहुत बड़ी ये बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई। जगदीश जी फिटनेस फ्रीक भी आप बहुत हैं, एक तैराकी के साथ में आपको जिमिंग करना भी बहुत पसंद है, ये बात हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। फिट रहना कितना ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग जैसे हमारा होता है डेली रूटीन उस तरह का बनाना चाहिए, क्योंकि फिट नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी मतलब मुमकिन नहीं है। फिर बाद में हम जी जैसे दवाएं हैं ये है वो है,
अगर हम फिट रहेंगे तो ये दवा है कुछ भी मतलब अपनों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो आपके डीडी राजस्थान के माध्यम से सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा कि आप जिंदगी में कोई ना कोई गेम पकड़ ले, भले आप खेले नहीं आगे लेकिन अपनी फिटनेस के लिए तो कम से कम कोई भी गेम चॉइस कर ले। और मुझे खुशी है कि मैं स्विमिंग जैसे बोलते हैं स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज, हाँ, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जो इसी साल 29 अगस्त से जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फिट इंडिया अभियान शुरू किया है, आपका क्या कहना है, कितना कारगर है, कितना मुफीद है, कितना फायदेमंद है ये? नहीं, बहुत फायदेमंद है जी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ये जन्म जयंती के ऊपर शुरू किया है मूवमेंट, और ये हर एक भारतवासी को अपनाना चाहिए। हाँ। क्योंकि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। बहुत अच्छी बात ये बहुत खूबसूरत बात दर्शकों अभी जगदीश जी ने हमें बताई कि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, और ऐसे ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये मूवमेंट लॉन्च किया है, फिट इंडिया मूवमेंट। और ये हम सभी के समझने की बात है, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो कोई भी मुकाम हम ईजिली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और अपनी बॉडी को समझने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जो लाइफ है वो सबसे खूबसूरत चीज़ है, और लाइफ एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आती। दोस्तों, ये बात आप गहराई से समझें। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूँगी, स्विमिंग तो आपकी फिटनेस का राज है, और इतने फिट रहने का राज क्या है, क्या कुछ करते हैं? योग को भी आपने अपने जीवन में थोड़ा जगह दे रखी है, क्या कुछ और एक्सरसाइज करते हैं? जी, मैं जिम भी करता हूँ जी, और साइकिलिंग का मुझे बहुत शौक है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है जी। और मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरे पास एक साइकिल है, तो मैं जहाँ से पुणे गया तो वहाँ ये पैक करके वहाँ लेके जाता हूँ, और मैं जहाँ रूम से लेके स्विमिंग पूल है या जिम है साइकिल से आता जाता रहता हूँ। और दूसरा, मैं अभी योग भी मैंने शुरू कर दिया है, तो मतलब एक टाइम योग और एक टाइम जिम स्विमिंग, ये सब डेली रूटीन मेरा बना हुआ है अभी। और अभी तो पानी भी बहुत ठंडा है जैसे, तो हमें ये इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है जी। जी 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 जी, बिल्कुल। ये बहुत ही मेरे को लग रहा है नायत की सर से बात करते करते मेरे अंदर भी एक घुसबम्स आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि किस तरह स्विमिंग आपने करी, अपने हाथ जब आपके जाम हो जाते थे तो आप क्या करते थे। साहस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों में। जब हम आपने चुनौतियों का सामना करा डटकर, वही चैम्पियन कहलाता है जो चुनौतियों का सामना करता है। जगदीश जी, साहस कितना इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के अंदर? मैम, साहस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी काम के लिए अगर साहस नहीं करेंगे तो फिर हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। और मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि मैं अभी भी जैसे हम स्विमिंग करते हैं पानी में, तो डर तो खाली लगता है पहले जब कूदना है अंदर जी, क्योंकि कूदने के बाद अगर 100 मीटर भी स्विमिंग हो गई तो फिर बाद में इतना नहीं लगेगा कि हम फिर सोचते हैं कि यार फालतू में मैं डर रहा था ऐसे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेन है कि आप पहले साहस करोगे तो ही आप किसी भी काम में सक्सेसफुल रहोगे। बहुत अच्छी बात, और डर के आगे जीत है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स जो होता है उसमें सबसे जो अहम होते हैं ना, वो होते हैं हमारे कोच जी। जो शायद स्विमिंग करते वक्त बाहर रह के आपका हौसला बढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप ये कर सकते हो। जहाँ पे भी थोड़ा सा स्टेमिना कमज़ोर हुआ, वहाँ आपको एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी देते हैं। और ऐसे ही कोच हैं आपके महेश पालीवाल जी जी, तो आज भी वो आपका स्टैमिना, आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ाने के लिए इस मंच पे एक संदेश के माध्यम से हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं वो आपके लिए हम सुनते हैं। जगदीश तेली, दिव्यांग तैराक, जो कि राजसमंद के केलवा एक छोटा सा गांव है वहां से आता है। इस बच्चे ने तैराकी गांव में सीखी होगी, लेकिन तैराक बनने की ठानी और इसने शहर की ओर रुख किया, उदयपुर आया। उदयपुर आके इसने जो मेहनत की, राज्य स्तर पर इसके पदक लगे, राज्य के साथ साथ इसने और मेहनत की, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसके पदक लगे। इस बच्चे का जुनून इतना तगड़ा था कि इसने इन 2 वर्षों में इंग्लिश चैनल, कैटरीना चैनल दोनों पार किए। ये बच्चा बहुत ही मेहनती बच्चा है, और साथ ही साथ इस बच्चे में वो जुनून है तैराकी का कि जो ठान लेता है वो करके दिखाता है।
बहुत खूब और बहुत ही प्यारा, कम शब्दों में लेकिन शायद बहुत ही ऊर्जा वाला संदेश था आपके कोच का आपके लिए। अच्छा, मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगी, बचपन से अब तक के सफ़र का हमने किया, लेकिन अब जब 77 मेडल आप अपने घर में सजे हुए देखते हैं, तो क्या माता पिता का रिएक्शन होता है, और कितना खुद को खुद पे गर्व महसूस होता है? हमें तो आप पर गर्व ही है, लेकिन आपको अपने आप पर कितना गर्व महसूस होता है? नहीं मैम, ये सच में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जी कि मैं स्विमिंग लाइन में मैं तो, क्योंकि दूसरे तो चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ फिटनेस पे जैसे उस समय कोई इतना नहीं था। अब तो जैसे हमारे गांव में भी केलवा में भी जिम खुल चुके हैं दो तीन ऐसे, लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और दूसरा, फिर जब मैंने स्विमिंग शुरू भी किया था कुछ दिनों में, तो हमारे जैसे एक दो साल में पानी ख़त्म हो गया था तालाब में भी। फिर मैं जैसे मुंबई में, उदयपुर में, मुंबई में ऐसे ट्रेनिंग करता था उधर, और उसके बाद मेडल जब लेके आता था तो पापा मुझे फ़ोन करके बोलते, कभी जा रहा हूँ, जैसे डेली फ़ोन करते हैं मुझे वो शाम को कि खाना खाया कि नहीं, क्या है क्या नहीं, जो सब जी। तो और अब जब मैं कभी जाता हूँ कोई कॉम्पिटिशन में तो वो मुझे बोलते थे, तू अपने लिए मेडल नहीं जीत रहा है, ये अपने राजस्थान के लिए और भारत के लिए जीत के आना है। बहुत बढ़िया बात, तो बहुत फख्र। ये मुझे सच में बहुत ऊर्जा देते हैं, मतलब एक एनर्जी देते हैं मुझे जी। और डेली ऐसा नहीं कि दोनों मम्मी पापा दोनों एक कि बोलते हैं भाई मेन पर खाना पीने पे ध्यान देना, और लेकिन हाँ कुछ भी हो जाए मेडल लाना है। बहुत जी, जी, बहुत जी, बढ़िया। ये आपकी जो साहस पूर्वक स्टोरीज है, ये हमारे लिए एक संदेश है, हमारे दर्शकों के लिए भी संदेश है कि साहस कभी मत छोड़ो, चुनौतियों का सामना करो। अभी फ्यूचर में आप और आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करना और चाहते हैं? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ एशियन गेम के लिए मेन, जो 2022 में है, और मेरा टारगेट एक ही है कि बस उसमें मुझे गोल्ड मेडल लगाना, और मुझे विश्वास है मेरा मेडल जरूर लगेगा। ये विश्वास जरूर ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और ये विश्वास हमें भी है कि आप गोल्ड जीतेंगे, और जो एक जज्बा आपके अंदर, आपके पिताजी के अंदर है कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है, और वाकई ही वही है, वही जज्बा है जो आपको आगे बढ़ाता है और जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगी मैं, कोई भी विधा होती है, कोई भी हुनर होता है, उस सीखने के लिए रियाज या मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। कितना समय आप देते हैं स्विमिंग की प्रैक्टिस को? वो बहुत ज़रूरी भी है जी। मैम, जैसे रेगुलर हमारा तीन से चार घंटे तो सुबह, और तीन से चार घंटे शाम को, मतलब एक्सरसाइज और जिम स्विमिंग ये सब हो जाता है। जिसमें दो घंटे तो हम जैसे सुबह स्विमिंग और दो घंटे वापस शाम को स्विमिंग पे देते हैं अभी, और साथ में अभी जैसे योगा है, साइकिलिंग तो एवरीडे है ही है क्योंकि आना जाना उसी से जी, तो जी, ये जी। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं अभी अच्छा टाइम दे रहा हूँ स्विमिंग का भी, और मुझे उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, और रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, और साथ में जब आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, वो आपका हौसला बढ़ा रहे होते हैं तो बस कुछ ना कुछ और नया और कुछ अच्छा बेहतर कर गुजरने का जज्बा होता है। ऐसा ही एक और प्यारा सा संदेश है आपका, आप ही के शहर से कुछ ताल्लुक रखने वाली माला सुखवाल जी, जो कि शक्ति तोलक भी हैं, और क्या वो आपके लिए कहना चाहती हैं, तो चलिए सुनते हैं। मैं जगदीश जी के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जगदीश जी स्वभाव से बहुत सरल और सहज हैं, पर जितने वह स्वभाव से सरल और सहज है, उतनी ही गंभीरता उन्होंने अपने खेलों में दिखाई है। उन्होंने तैराकी में कई पदक प्राप्त किए हैं, कई रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं, और इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में हर इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए, पर जगदीश जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी संघर्ष किया है, और उनका संघर्ष ही है जो कि आज रंग लेके आया है। मेरी जगदीश जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं जगदीश जी के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि भविष्य में होने वाले पैरा ओलंपिक्स में भाग लें और देश को पदक दिलाएं। जगदीश जी, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे भी बहुत प्यारी सी एक स्माइल आती जा रही है। और एक संदेश जो इतने प्यारे आपको मिले हैं, उसी के साथ बहुत सारे दर्शक होंगे जो आज कहीं ना कहीं आपसे एक नई ऊर्जा ले रहे होंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा ले रहे होंगे, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे, वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे जी। मैं स्पेशली सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे लिए उनका ये कहना आशीर्वाद है बहुत बड़ा। और मेन स्पेशली मैं दिव्यांग लोगों से कहना चाहूँगा कि
अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं हो, अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनानी है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिव्यांग लोगों को आजकल ठीक है समाज में सम्मान मिला, लेकिन बहुत टाइम से ऐसा एक किनारे कर दिया गया जैसा समझ रहे थे। लेकिन हाँ, अब सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं शुरू कर चुकी है, बिल्कुल, गेम खिलाड़ियों के लिए। मैं तो दिव्यांग लोगों से स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अगर गेम खेलो नहीं खेलो, लेकिन फिटनेस के लिए तो अपना कोई सा भी गेम चॉइस कर लो, योगा है, कोई भी गेम, स्विमिंग है। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, बहुत ही प्यारा आप मैसेज दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि अपने आप में निराश नहीं हुए हैं, फिट रहें। और क्योंकि नायद हमारे पास में समय की पाबंदी है, तब लेकिन जगदीश जी आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन दर्शकों, चूंकि वक्त कहता है कि आप इजाजत लें, तो हमें दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक नायद को और बबीता को नमस्कार। नमस्कार।